नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। अभी देखो पीडीएसयू के द्वारा दो बड़े नोटिस जारी हुए हैं, साथ ही में यहाँ पर जो आपका एग्जाम टाइम टेबल कब जारी होने वाला है, आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं और जो ये दो नोटिस जारी हुए हैं वो किस संबंध में जारी हुए हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूँ। और जो ये नोटिस जारी हुए हैं वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, साथ में यहाँ पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस संबंध में दोनों नोटिस जारी हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल को लेकर भी काफी जो छात्र है वो चिंतित है कि इस बार जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल तो आपका होगा लेकिन परीक्षा से पहले होगा, और परीक्षा से पहले होगा तो उसकी डेट कब घोषित की जाएगी। तो फाइनली प्रैक्टिकल को लेकर दो बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट में तो मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल की कि प्रैक्टिकल कब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकल किस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। उसी के बाद में आपके जो एग्जाम है वो कब होने वाले हैं, साथ में आपका एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो कब आने वाला है, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको डेट भी मैं बता दूंगा, ठीक है। वो उसी डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब देखो फर्स्ट नोटिस यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दो नोटिस जारी हुए हैं। फर्स्ट नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नोटिस जो जारी हुआ है इसमें ओनली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपके जो प्रैक्टिकल है, जो मतलब कि काफी स्टूडेंट रहते हैं, देखिए दो कैटेगरी से रहते हैं, एक तो वो स्टूडेंट रहते हैं जिनके प्रैक्टिकल में वाइवा वॉइस रहता है या प्रेजेंटेशन रहता है, यानी कि जो पीपीटी वगैरह बनाकर जो प्रेजेंटेशन देते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक तो वो स्टूडेंट रहते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल होगा। उसी के बाद में क्योंकि जो लास्ट ईयर प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल जो वाइवा वॉइस वाले थे, साथ में जो सेमिनार वाले थे, जो प्रेजेंटेशन वाले थे, उनका जो प्रैक्टिकल हुआ था लास्ट ईयर वो ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन जिन स्टूडेंट चलती है उनका प्रैक्टिकल तो होता है लेकिन वो यहाँ पर ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इस बार आपका ऑफलाइन होगा। अब यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जिनमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट है 80-90% वो आते हैं आप जैसे स्टूडेंट है, जिनके असाइनमेंट के आधार पर, फाइल के आधार पर आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, सेकंड नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, जो रेगुलर के स्टूडेंट है, उनके जो प्रैक्टिकल है वो परसों के दिन से, जैसे कि आज आपकी 14 मार्च हो चुकी है, 16 मार्च से आपके जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही में कल ऑफिशियल नोटिस आएगा कि कौन सा जो प्रैक्टिकल वाला है, जो बाहर से आपका एक्सटर्नल आता है, उसकी सूची आपको कल मिल जाएगी और कल ही नोटिस जारी हो जाएगा। वो नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसीलिए मैं आपको जोर देके और बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लेकिन आप सुनते नहीं उस चीज को, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में जो बैक ईयर के पेपर है वो भी मैं वहां पर प्रोवाइड करवा रखा हूँ, साथ में कुछ पेपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी वहां पर मैं दे रखा हूँ, ठीक है। तो वो पेपर भी आपको वहां से मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में बात करते हैं, अब देखो इसमें बाकी तो फॉर्मेलिटीज वगैरह दे रखी है कि आपको जो अपना रिकॉर्ड है वो 16 तारीख को आपको सबमिट वगैरह करवाना है, ये छोटी मोटी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और बाकी अगर आपको कुछ और भी ज्यादा प्रैक्टिकल के बारे में पूछना है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो आप मुझे वहां से कर लेना। उसी के बाद में जो बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ आपके एग्जाम को लेकर, साथ में टाइम टेबल को लेकर। देखिए जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं वो 10 से अप्रैल के अप्रोक्स स्टार्ट हो गए बताया जा रहा है, सूत्रों के माध्यम से पता लग रहा है। साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डायरेक्ट जो परीक्षा नियंत्रक है उनसे भी जाकर पूछा है, तो वो बता रहे कि 10 अप्रैल के लगभग, अब देखो यहाँ पर मैं कन्फर्म भी नहीं बोल सकता कि 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, 5 या 15 अप्रैल के बीच में कभी भी आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल आपका मार्च में आने वाला है। अब आप सभी कमेंट करोगे कि सर मार्च में आएगा तो कब तक आ सकता है, तो मार्च में आपका जो टाइम टेबल है वो 15 अप्रैल के बाद में, क्योंकि देखिए आपके जो प्रैक्टिकल है वो थोड़ा लेट तक चलेंगे, काफी दिन चलते हैं, 10-15 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के तो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन सभी कैटेगरीज वाइज जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल रहता है वो अलग अलग रहता है, तो इस वजह से 10-15 दिन का मिनिमम टाइम लग जाता है प्रैक्टिकल में। जो आपका टाइम टेबल जारी होगा वो 20 मार्च तक आपको देख सकते हो, देखना मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा पीडीएसयू से रिलेटेड वो आपके प्रैक्टिकल को लेकर ही बनने वाला है, सॉरी आपके एग्जाम टाइम टेबल को लेकर ही बनने वाला है, तो तब तक थोड़ा वेट करें। बाकी तो मैं आपको लगातार अपडेट दे ही रहा हूं, तो थोड़ा पेशेंस भी रखें,
और जितने भी बैक ईयर के पेपर है वो आप पढ़िए, ठीक है। पेपर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, साथ में एक वीडियो भी डाला है, उस वीडियो पर जाकर देख लेना। और यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पर या गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो PDUSU online.com। जब ये सर्च करोगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो वहां पर आपको BA, BSc, BCom, BBA, BCA के जितने भी पेपर है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो पेपर आपको वहां पर शो जाएंगे, तो वो पेपर आप जाकर देख लेना, जिससे आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। और अपनी पढ़ाई अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर देना अगर पास होना है तो। और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको मैं गाइड करना चाहूंगा कि जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपको बैक का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखना, पेपर या बैग लग सकती है या आपको डायरेक्ट फाइल भी किया जा सकता है, ये ध्यान में रखना। इसलिए बैग जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर देना। साथ ही में कितने पासिंग नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, उसका वीडियो मैंने बीए बीएससी के लिए बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर कोई स्टूडेंट इच्छुक है देखने को तो वो देख लेना। ओके, बाय।